दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा नेता अरुण द्विवेदी जी। आपको नगरीय निकाय चुनाव का सतना जिले का प्रभारी बनाया गया, लेकिन लोगों को आज भी अभी संदेह है कि शायद ही नगरीय निकाय चुनाव अभी संपन्न होंगे। इसमें आपका क्या मत है? अभी तो देखिए, सरकार पार्टी के नेतृत्व और मुख्य रूप से इस लोगों का राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। हम लोगों को पार्टी ने काम दिया है, हम लोग अपने काम को कर रहे हैं। अब चुनाव कब होंगे, कब कराए जाएंगे, अभी तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है। लेकिन सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो राज्य निर्वाचन आयोग कैसे चुनाव करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, भूमिका दोनों की रहती है। और पार्टी संगठन में हम लोगों को जो पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को काम दिया है, तो चुनाव के मद्देनजर ही दिया है। और अगर चुनाव में कहीं कोई ऐसी स्थिति न कराने जैसी दिखती तो हम लोगों को काम का हाल ही कोई संगठन। आखिर ये संदेह क्यों है लोगों को? संदेह का कोई विषय नहीं है, सब चीजें सकारात्मक है। अब अभी जैसे 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि अपने मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त का स्टेटमेंट आ रहा है, उनको नौकरी जल्दी कराने की स्थिति में सरकार को जो काम था वो सरकार ने किया होगा। अब मुख्य भूमिका तो चुनाव आयुक्त की है या चुनाव की है। मैं आपको दो वजह बता रहा हूँ जिस कारण सरकार चुनाव नहीं कराएगी या टालेगी। अभी पहला रीजन है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के कारण सरकार की छवि थोड़ी सी खराब है। दूसरा कारण है जीएसटी और पेट्रोलियम पदार्थों को लेके अपने आप शहर के व्यापारियों ने अभी सपना बंद रखा था कैट के आयोजन पर, तो शहर भी नाराज है, ग्रामीण भी नाराज है। उसके दो रीजन है, जीएसटी, महंगाई। सरकार इतना काम कर रही है जी, और कहीं से कहीं तक आपने देखा होगा, अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन सफलतम तरीके से नहीं हुआ। आप भी देखें, सतना की अगर अपन बात करें तो जिले की स्थिति यह थी कि कहीं 10 लोग, कहीं 5 लोग, कहाँ होगा आंदोलन, जगह कौन होगी, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, एक भी किसान इनको ढूंढने नहीं मिला। तो किसान आंदोलन की स्थितियां जो है वो तो आप अपने देख ही रहे हैं। कहीं से कहीं तक किसान आंदोलन में किसान ये समझते हैं कि जो निर्णय हुए हैं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में है, और यही हाल है। इसी कारण से पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने, न केवल सतना में बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने किसी भी जगह जो आंदोलन किया भी तो वो केवल कांग्रेस के कुछ नेता जाके खड़े हुए हैं और अपना फोटो खिंचा के चले गए हैं। उनका एक भी किसान आपको उस पूरे उनके प्रदर्शन में नहीं दिखा होगा। लेकिन जो शहरी बंद था कैट के आयोजन पे जी, उसमें भी क्या नहीं, शहर में भी जो जब व्यापारियों ने इसको बंद किया तो भी आपने शहर की स्थितियां भी देखी होंगी। मैंने देखी 100% बंद था। नहीं, मैं आपके इस बात सहमत नहीं हूँ। मैंने तो कुछ चैनल पे अपने दिखाया, शहर अपने आप बंद था। चैनल पर आपने दिखाया, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं और देख रहे हैं। कहीं से कहीं तक सरकार के निर्णय से व्यापारियों में थोड़ा बहुत कहीं कुछ बातचीत हो सकती है, और सरकार से उनकी बातचीत हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन की भी जो गुंजाइश होगी सरकारें कर ही रहे हैं। लेकिन व्यापारी अपने साथ पूरी तरह से है, व्यापारी पूरी तरह बिल्कुल पूरी तरह से व्यापारी है। और आगे आने वाले नगरीय चुनाव में आप देखना कि किस तरह से परिणाम आने वाले हैं। नहीं तो ये तो घोषणा या भविष्यवाणी आपकी पार्टी तो हमेशा करती थी, जैसे 300+, तो 300+ आए। बिल्कुल, तो क्या ये भी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम नगरीय निकाय जीतेंगे? बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी वजह क्या है? वजह है हमारा काम। आप केंद्र से लेके, हमने FDI का विरोध किया, हमने 100% FDI लागू की, हमने पेट्रोलियम पदार्थ 2 रुपए बढ़ते थे और हम हंगामा खड़ा करते थे, आज 100 रुपए पार है, आज महंगाई चरम पर है। आखिर कौन सी सफलता की हम बात करते हैं? दरअसल है क्या कि हमारी सरकारों ने जो काम किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दरअसल है क्या कि हम लोग जो हमारी सरकार काम कर रही है उसकी चर्चा हम कर नहीं रहे हैं। आपने राम मंदिर का विषय देखा, आपने धारा 370 देखा, आपने 35 देश ए देखा, और केवल इस वजह से नहीं,
मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आपको न केवल नगरीय निकाय बल्कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, हितग्राही मूलक योजनाएं उनके घर तक न पहुंची हों। चलिए राम मंदिर की बात करें, ये लोगों की आस्था का केंद्र था, लोगों की आस्था का केंद्र है। राम मंदिर मुद्दा आपको एक बार और लोकसभा चुनाव जिताएगा, मैं इससे सहमत हूं कि चूंकि चुनाव के समय ही ये मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन राम मंदिर बनने से क्या लोगों को रोजगार मिलेगा या महंगाई जो चरम पे है वो कम हो जाएगी? भाई देखिए, रोजगार की जो स्थिति है वो अनवरत जारी है और सरकारें जो काम कर रही हैं और रोजगार उन्मुखी दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इसके पहले जिन सरकारों ने काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना की किसी ने सोचा नहीं था, उज्ज्वला योजना हमारी बहनों को लाभ मिल रहा है उसके लिए कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं था, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करो, मुख्यमंत्री कल्याण योजना की बात करो, फिर इन्हें इतना बंद क्यों किया? कैट शहरी और ग्रामीण दो समस्याएं आपके सामने हैं, चुनाव टालने की देखिए कोई समस्या नहीं है, नहीं है चुनाव हो के रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव अभी हो जाएगा कि कब होगा, मैंने आपको बताया कि ये तो चुनाव आयोग को तय करना है, राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना, लेकिन मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी चुनाव होंगे तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो और चाहे नगरीय क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। बिल्कुल। आखिर ऐसी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी है क्या? मैंने आपको बताया अभी हमको मुश्किल से 5-6 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हमारे लगभग 20 वार्डों में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, 20 वार्डों में हम तक पहुंच चुके हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, 20 वार्डों की कमेटियां बन गई हैं। और आपको मैं बताऊं, जब हम लोग काम करने बूथ पर जाते हैं तो बूथ पर स्वयं लोग निकल के आते हैं, वो ऐसा कोई घर हमको नहीं मिलता जिस घर में हमारी सरकार की योजना ना पहुंची हो। वार्ड में आपकी कैसी चुनावी कमेटियां बन गई? बिल्कुल, तो आप एक एक वार्ड में चुनावी कमेटियां बनाते जा रहे हैं? नहीं, हम एक एक बूथ में चुनावी कमेटियां बना रहे हैं, एक एक बूथ में चुनावी कमेटियां बना रहे हैं, एक बूथ में हमारा एक बूथ का संयोजक है और उसके 21 की कमेटियां हैं, और उस पूरे 21 की कमेटियों में सभी वर्गों का, उस बूथ में रहने वाले सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे उस बूथ में रहने वाला किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उस हमारे बूथ में वो कमेटी का सदस्य है। मतलब हर बूथ स्तर पे आपने 21 लोगों की कमेटी बना? बिल्कुल, और इसी पे आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो मतलब अपन ये मान के चले कि विपक्षी दल कहीं भी इस तैयारी, चुनावी तैयारी में नहीं है। अब विपक्ष क्या करता है, विपक्ष है कहाँ, ये विपक्ष हमारे समझ में नहीं आ रहा, विपक्ष है क्या? हम लोग तो जब जाते हैं तो हम लोगों को तो ये लगता है कि जैसे हम लोग पूछते हैं कि हमारे हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह है कि एक एक वार्ड में 10-5 कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए मिलते हैं, जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि भैया यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है, नहीं भैया यहाँ तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो उनकी स्थितियाँ तो ये हैं कि उनको अपने वार्डों में हो या महापौरी का चुनाव कैंडिडेट कौन होगा, हम तो इस स्थिति में है कि पार्टी चाहे वार्ड में या महापौर में जिसको टिकट देगी वो भारी बहुमत से चुनाव जीत के आने वाला है। पर अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं ये देखने को हम लोगों को जो मिल रहा है कि उनके वार्ड में प्रत्याशी कौन होगा और उनकी तैयारी क्या है, ये तो आप देख ही रहे हैं। आपका प्रत्याशी कौन होगा महापौर में? हमारी पार्टी जिसको तय करेगी, हमारे हमारी चुनाव समिति है। आप किसकी अनुशंसा करेंगे? नहीं, अनुशंसा का कोई विषय नहीं, हमारे यहाँ सब जानते हैं। अगर आपकी अनुशंसा मांगी जाए तो आप किसका नाम लेंगे? हम भाई, मैंने आपको बताया कि सामूहिक निर्णय होता है हमारी पार्टी में, वो तो हर पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है। नहीं हमारे, लेकिन नहीं, आपसे अगर पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे? मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ अभी हम लोगों को चुनाव का काम दिया गया, इसके बाद जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसकी कमेटियां बनेगी, वो कमेटियां वार्ड स्तर पर, अध्यक्ष स्तर पर और महापौर स्तर पर यहाँ से नाम स्क्रीनिंग करके भेजेंगे और पार्टी में जिसको आपके चुनाव प्रभारी बनते ही लोगों ने एक सिंगल नाम दिया कि सतना महापौर की टिकट उनको मिलेगी आपके प्रभारी बनने से। मैं ये कह नाम लूं, लक्ष्मी यादव का नाम लोगों ने लिया। देखिए भाई, लक्ष्मी यादव का नाम लिया हमारे प्रभारी बनने से, मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी यादव का अगर किसी ने नाम लिया तो लक्ष्मी यादव कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता तो है नहीं, लक्ष्मी यादव भारतीय जनता पार्टी का, और तमाम कार्यकर्ता जो कई दावेदार आपने बताया उनमें से एक नाम क्यों आ रहा कि आपके द्वारा एक ही नाम आएगा और लक्ष्मी यादव को ही टिकट मिलेगी? नहीं, अब ये मैं पहली बार आपके मुझे ऐसा सुन रहा हूँ, ऐसी आम चर्चा है। अब आम चर्चा और आपकी पार्टी में, मेरे से तो अभी तक किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मेरा स्वभाव जानते हैं कि चूंकि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी तय करते हैं अपने को उस पर काम करना है, वो तो तय है। बिल्कुल जी, तो क्या अपन मान के चले कि लक्ष्मी भाई की टिकट
मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ जिले में चुनाव प्रबंधन समिति बनेगी। वो हर पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था है, फिर संभागीय कमेटी बनेगी। लेकिन मैं एक रुझान अपना रुझान जानना चाहता हूँ, मैं आपकी किस तरह। मैं एक बात ये जरूर कहता हूँ, पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसको टिकट देगी ऐतिहासिक वोट से, मैं ये बात पूरे दावे से, ऐतिहासिक वोट आप अपनी अनुशंसा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि पार्टी का जो निर्णय तय हो जाएगा वही हमारी अनुशंसा है। बिल्कुल, पार्टी जो तय कर देगी उसी को अपने को जिताना है और शत प्रतिशत जीत के आएगा। ये सब पूरा सहज लाना है, मान लिया। लेकिन आखिर ये नहीं बताएंगे कैसे है। अच्छा, वार्डो की क्या स्थिति है? वार्डो में भी कई नाम है आपने कहा, तो क्या उसमें की तैयारियों में? बिल्कुल, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रत्याशी आज चिंता है, हम कमल कपूर का प्रत्याशी है हमारा, है। और चूंकि हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम सरकारें, हमारी सरकारों ने इतना काम किया है कि हर वार्ड पर कार्यकर्ता उत्साहित है और ये उसका हक है, और वार्ड कार्यकर्ता पूरे संघर्ष के साथ टिकट मांगता है। स्कैनिंग हो गई है तो मतलब अपन ये भी मान के चले कि वो तैयारी हो चुकी है? नहीं, स्कैनिंग का विषय कहाँ है, अपन स्कैनिंग की बात नहीं कर रहे, अपन कर रहे हैं वार्ड में जो बूथ है उन बूथ की कमेटियों की। वो कमेटियां हमारी लगभग बनने की स्थिति में है, कुछ जगह बन गई है, कुछ शेष बची हुई है, बहुत जल्दी 2-3 दिन में तैयार हो जाएंगे। अब आपकी तैयारी के हिसाब से अपन यही समझ के चले कि चुनाव जल्दी होंगे। अब मैंने आपको बताया कि चुनाव जल्दी होंगे या बाद में होंगे, लेकिन चुनाव तो होंगे कभी। और हमारी हमको जितना समय मिलेगा हम उसमें अपने बूथ को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। और पार्टी का हमारा कहना भी है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो हमारा बूथ जितना मजबूत होगा, हमारा कार्यकर्ता जितना शक्तिशाली होगा, और वो भी क्यों ना, हमारे पास घर घर में हमारी सरकार की योजनाएं हैं, तो उनके बल पर हमारा कार्यकर्ता तैयार खड़ा हुआ है, जब भी चुनाव होगा हमारे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।